फ्रेंड्स, मैं आज आपको रामनवमी ड्राइंग का जो सेकेंड पार्ट है वो दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने फेस का कलरिंग कंप्लीट किया था, अभी सेकेंड पार्ट में मैं बाकी पोर्शन का कलर कंप्लीट करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ड्राइंग। सेकेंड पार्ट का ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक रिकैप दिखा देती हूँ पार्ट वन का। और अगर आपने पार्ट वन का ड्राइंग मिस कर दिया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर जाके पार्ट वन का ड्राइंग फर्स्ट देख लीजिए, फिर आप सेकेंड पार्ट का ड्राइंग देखिए, क्योंकि पार्ट वन में मैंने लाइन ड्राइंग एंड फेस का कलरिंग दिखाया है। नाउ मैं सेकेंड पार्ट का ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं फर्स्ट श्री राम जी का बॉडी का कलर कर रही हूँ। बॉडी में फर्स्ट लाइट येलो एंड सलमन पिंक कलर यूज कर रही हूँ। गाइस, ये ड्राइंग थोड़ा सा टफ है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बोला था, इसका ड्राइंग कलरिंग सब कुछ टफ है, तो आप जरूर इसको बिना स्किप किए देखो तो डेफिनेटली आप ये ड्राइंग कर पाओगे। नाउ मैं ब्राउन कलर से स्किन का जो डार्क टोन है वो दे रही हूँ। ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ मिडिल टोन के लिए, आप इसको ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन पैड से। नाउ मैं कलर पेंसिल से श्री राम जी का ऑर्नामेंट्स को कलर कर रही हूँ। मैंने ये ऑर्नामेंट्स को कलर करने के लिए कलर पेंसिल यूज किया है, क्योंकि अगर ये सब ऑयल पेस्टल से करेंगे हम, ऑयल पेस्टल कलर बाहर स्प्रेड हो सकता है, इसीलिए मैं कलर पेंसिल यूज किया है ऑर्नामेंट्स करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी रंग कैनवास को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, और ये ड्राइंग करके आप हमें रंग कैनवास का जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी शेयर कर सकते हो। नाउ मैं श्री राम जी का अदर हैंड कलर कर रही हूँ। नाउ मैं श्री राम जी का ड्रेस का कलर कर रही हूँ। फर्स्ट एकदम लाइट टोन दे रही हूँ लाइट येलो कलर से, देन मीडियम येलो, नाउ डीप येलो एंड ऑरेंज। नाउ मैं वर्मिलियन ह्यू कलर यूज कर रही हूँ। गाइस, अगर आप ये ड्राइंग को पूरा देखोगे तो आई होप आप ये ड्राइंग कर पाओगे और आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा ये ड्राइंग से। अब मैं इसको कॉटन ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ मैं डीप रेड कलर से ड्रेस का जो स्प्लिट है वो कर रही हूँ। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन ब्रश से। अब देख रहे हो ना कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। नाउ मैं थोड़ा सा कलर पेंसिल भी यूज कर रही हूँ यहाँ पे। गाइस, अगर आपके पास कलर पेंसिल ना हो तो आप ऑयल पेस्टल कलर यूज कीजिए, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली कीजिए। नाउ मैं येलो ग्रे एंड लाइट येलो कलर यूज कर रही हूँ। नाउ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस, ये ड्राइंग में मैंने कैमल आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल कलर यूज किया है और मैंने इस ड्राइंग में जो जो कलर यूज किया है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप दे दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और मेरे वीडियो में भी मैंने कलर के साथ कलर का नाम ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है। नाउ मैं जो धोती पोर्शन है वो कर रही हूँ। फर्स्ट लाइट येलो कलर यूज कर रही हूँ, नाउ मीडियम येलो, नाउ मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ। मैंने ये ड्राइंग एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है।
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये ड्राइंग करने में। नाउ मैं इसको फिंगर से रब करके ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ मैं स्कारलेट कलर यूज कर रही हूँ धोती का जो स्प्लिट्स है वो करने के लिए। आप देख रहे हो ना, एकदम धीरे धीरे करते ये धोती कितना रियलिस्टिक बनता जा रहा है। और गाइस, अगर आपको एकदम स्क्रैच लेवल से स्टेप बाय स्टेप इजी ड्राइंग रंग कैनवास से सीखना है, एकदम बिगिनर्स लेवल का रंग कैनवास का जो और एक चैलेंज है रंग कैनवास रजिस्टर्स आर्ट रूम, अब जरूर उस चैलेंज को व्यू कीजिए। उस चैलेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैलेंज में हम सब्जेक्ट ड्राइंग, ड्राइंग बुक्स में जैसा इजी स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग रहता है वैसा ही ड्राइंग शेयर करते हैं। वो बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल चैनल है, तो आप एक बार विजिट कर लीजिए और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये ड्राइंग आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये ड्राइंग कम्प्लीट होने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ड्राइंग को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। नाउ मेरा श्री राम जी का हेयर पोर्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। नाउ मैं थोड़ा सा हेयर में शेड्स दे रही हूँ लाइट ग्रे कलर से। अब इसको कॉटन बार से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ मैं सीता मैया का साड़ी का जो कलर है वो कर रही हूँ। मैं फर्स्ट स्कारलेट कलर यूज कर रही हूँ। नाउ डीप येलो, ऑलमोस्ट सेम कलर टोन ही है जो श्री राम जी का ड्रेस का कलर है वो ही है। ये तो वनवास वाला ड्रेस है इसलिए तीनों का ही ड्रेस का कलर ऑलमोस्ट सेम ही होगा। सीता मैया का ब्लाउज का कलर कर रही हूँ। ब्लाउज में मैं फर्स्ट कोबाल्ट ब्लू ह्यू कलर यूज किया है। नाउ मैं एमरल्ड ग्रीन एंड व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ। अब इसको ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन बार से। नाउ अगेन मैं ऑर्नामेंट्स कलर कर रही हूँ कलर पेंसिल से। गाइस, अगर आपने ये रामनवमी ड्राइंग का पार्ट वन मिस कर दिया है तो जरूर जाके पार्ट वन फर्स्ट देख लीजिए, फिर ये ड्राइंग का अटेम्प्ट लीजिए। फर्स्ट पार्ट का ड्राइंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर जाइए और फर्स्ट बार जरूर देखिए। और मुझे ये ड्राइंग के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देना था ऑलमोस्ट मैंने तो दे दिया है। अभी आप ये ड्राइंग को एंजॉय कीजिए विथ म्यूजिक।
गाइस मैंने यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी का धोती का कलर थोड़ा सा डिफरेंट किया है। फर्स्ट मैं येलो अगर कलर यूज कर रही हूँ, नाउ मैं येलो ग्रे कलर यूज कर रही हूँ, उसके साथ मैंने व्हाइट कलर भी यूज किया है। आप इसको ब्लेंड कर रही हूँ कार्टन बार से। नाउ मैं बैकग्राउंड का जो लीव्स है वो कर रही हूँ, वो मैंने कलर पेंसिल से किया है। अगर आपके पास कलर पेंसिल ना हो तो ऑयल पेस्टल कलर से भी कर सकते हो। नाउ मैं एक्रेलिक व्हाइट कलर से फोरहेड में जो तिलक होता है वो कर रही हूँ, व्हाइटनर से थोड़ा सा ऑर्नामेंट्स डिजाइन कर रही हूँ। अब मेरा कलर तो कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं मास्किंग टेप रिमूव करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं मास्किंग टेप रिमूव। अब मेरा ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुकी है, नाउ मैं मास्किंग टेप रिमूव कर रही हूँ। आपको वेरी केयरफुली ये मास्किंग टेप को रिमूव करना है। अब देख रहे हो ना ये ड्राइंग कितना अच्छा हुआ है, इतना कलरफुल भी लग रहा है। अब जरूर ये ड्राइंग को ट्राई कीजिए और ये ड्राइंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज का ड्राइंग तो कैसा लगा आपको ये ड्राइंग? अगर ये ड्राइंग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए कि ये ड्राइंग आपको कैसा लगा। और अभी भी आपने रंग कैनवास को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, रंग कैनवास को फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना भी मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।